एक वाटर का बॉटल भी यहाँ पे रख दो, ठीक है। रिलेटिव मोशन का मैं ये वीडियो देखने के पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए कि रिलेटिव मोशन का जो बेसिक लेवल है वो आपको आता है। अभी सबसे पहली चीज, रिलेटिव मोशन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन में एकदम सिंपल आपको ये पता होना चाहिए, सबको पता ही है वैसे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये पहले सबसे बड़ा फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और उसके ऊपर ही अपन तीन टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं, आपको सबको पता है। इसके बाद आपको ये छोटा सा एक चीज पता होना चाहिए कि ये एक वेक्टर है मेरा, ये दूसरा मेरा वेक्टर है, आपको पता है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसका जो रिजल्टेंट होता है, ये सपोज मैंने इसका बोला इसका लेंथ 10 है, इसका लेंथ 8 है, और ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिया हुआ है सपोज, तो गाइस ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड आउट करते हो, स्केलर वेक्टर वाला चीज। तो अपन को आप लोगों आपको पता ही है कि बी वेक्टर का ये दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, एक तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा वाला, बट वो यहाँ पे नहीं करना होता है, अपने को रिजल्टेंट चाहिए। तो बी के दो कंपोनेंट निकालते हैं, एक बी का ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट 8 cos 30 कितना होता है 4√3, और ये बी का ये कंपोनेंट हुआ। और आपको पता है कि जैसे मैंने कंपोनेंट निकाले बी के, ये हो गया बी वाई कंपोनेंट बी एक्स कंपोनेंट, फिर ए और बी को मुझे ऐड करना था, ठीक है। तो मैं इन तीन वेक्टर्स को ऐड करता हूँ, पता है आपको सबको याद है। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 4, तो यहाँ पे बचा कितना 6, तो यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा 4√3। तो गाइस ये जो दो वेक्टर हुए, ये वेक्टर से ही क्या बनता है, रिजल्टेंट बनता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इन दोनों का वेक्टर एडिशन, विच इज ऐसे। बट अपने को कभी भी यहाँ पे ध्यान में रखना, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना नहीं होता, अपने को रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एंड वाई कंपोनेंट लगता है। रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड पूछा तो 6 है, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो कितना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज 4√3। तो ध्यान में रखना, वेक्टर एडिशन फॉर्मूला से नहीं किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर एडिशन किया जाता है कंपोनेंट मेथड से। अब इसी को, इस छोटे से बेस को, स्केलर वेक्टर का जो बेस है उसको यूज करके, और ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा कि हम कुछ क्वेश्चन अभी अच्छे वाले लेवल के सॉल्व करते हैं। गाइस ये क्वेश्चन पढ़ो फटाफट क्विकली, अच्छा क्वेश्चन है, मैं वापस बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि जेई एडवांस के, आईआईटी एडवांस के या ओलंपियाड्स के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, नहीं गाइस नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लो, पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको सॉल्व करना होता है और क्या अलग है इसमें। अब यहाँ पे आप देखो, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू द वॉटर विथ वेलोसिटी 2 times less than, ठीक है, the river flow। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है गाइज। यहां पे देखो, यहां पे क्या दिया है, यहां पे ये रिवर है, पॉइंट ए से बंदा निकला है, पॉइंट बी तक पहुंचना है, रिवर फ्लो कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर किस डायरेक्शन में, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में। अब यहां पे क्या दिया है, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर अ वेलोसिटी विच इज 2 times लेस देन, मतलब अब ध्यान में रखना, जो आदमी फ्लो करने, आदमी जो तैरने वाला है यहां से, उसको ए से बी जाना है, उसको आदमी जो तैरने वाला है उसकी स्पीड वाटर के स्पीड से कम है। देखो यहां पे कैच है, ठीक है, वाटर के स्पीड से यहां पे कम है, और उन्होंने बोला एट व्हाट एंगल, ठीक है, टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव फॉर मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग जीरो करनी है। अब गाइस जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे, गाइस नॉर्मल क्वेश्चन ध्यान में रखना, मैं पीछे के इसमें नॉर्मल क्वेश्चन क्या होते थे बताया, मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग करने के लिए क्या होता था, ये सपोज ए है और ये बी पॉइंट है, बंदा इधर से इधर निकलेगा, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, और ये वेलोसिटी ऑफ, जब ये जंप मारेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आपको पता है ना वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसा होना चाहिए। तो मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग के लिए क्या होता है, मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग कब होती है, ड्रिफ्ट मिनिमम कितनी होती है बताओ जरा यहाँ पे, ध्यान में रखना अपने जो क्वेश्चन पढ़े थे नॉर्मल लेवल पे, उसमें मिनिमम ड्रिफ्टिंग कितनी होती है, जीरो होती है भाई, डायरेक्टली बी पे पहुंचेगा, एग्जैक्टली अपोजिट पे पहुंचेगा, राइट, एग्जैक्टली अपोजिट पे पहुंचेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट पे नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान में रखना ये वेलोसिटी ऑफ वाटर होता है, और आप लोगों को बताया कि वेलोसिटी ऑफ मैन, इन दोनों का वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर का क्या, वेक्टर एडिशन। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं गाइस, इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन एग्जैक्टली ऐसे आता है, राइट। तो फिर पूछा जाता है कि भाई कितना एंगल है, कितना थीटा है, सो दैट इट विल रीच एग्जैक्टली एट पॉइंट बी, मतलब ड्रिफ्ट की वैल्यू यहां पे जीरो होती है। तो गाइस आपको पता है ड्रिफ्ट की वैल्यू जीरो कब होती है,
जब, अब देखो ये वेक्टर गिव्स मी दिस वेक्टर, ये कब हो सकता है, कब पॉसिबल है? आप डायरेक्टली बताइए, इसको कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ वाटर से कैंसिल आउट करेगा तो ही तो यहां पे बचेगा, ये हो गया कंपोनेंट मेथड। बट इसमें एक ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से टेल हेड से आप करते थे, याद करो वेलोसिटी ऑफ वाटर को मैंने डायरेक्टली मूव करवाया, इधर से मैं सीधा इधर लेके आया, तो आपको पता है ना ये वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मतलब ये वेक्टर प्लस ए वेक्टर गिव्स मी वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज माई रिजल्टेंट वेक्टर, तो ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। बट इसमें क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में कौन हाइपोटेन्यूज है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो गाइस ध्यान में रखना ये कंडीशन कब होती है, पता है ड्रिफ्ट जीरो कब होगी, जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर। कंडीशन समझ में आई क्या आपको, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आदमी, लेट्स से आदमी ने जंप मारा 12 किलोमीटर पर आवर से और वाटर फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, यस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आदमी का जो वेलोसिटी है, देखो क्योंकि ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है। बट व्हाट इफ वेलोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कभी ऐसा बन सकता है क्या ये केस, ये वाला साइड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब ये वाले साइड से बड़ा है, कभी हो सकता है क्या, कभी ऐसा ट्रायंगल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना, तो भाई नहीं बन सकता, ठीक है नहीं बन सकता, तो इसका भाई ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट कितना, ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके लैग हो रहा है गाइस, लैग हो रहा है, हाँ काफी लैग हो रहा है, एक मिनट गाइस, सिर्फ एक मिनट। मैं देख रहा हूँ कहीं लैग हो रहा है, एक मिनट मुझे देखने दो जरा। एक मिनट गाइस, अभी बराबर है क्या, देखो एक बार मैं जस्ट एक बार चेक कर रहा हूं, ठीक है अभी एक बार चेक करो कि बराबर है क्या, ये लो लेटेंसी नहीं रखी है शायद इसके वजह से, मुझे लगता है कि अभी होना चाहिए। एक मिनट गाइज, अभी आ रहा है क्या, अभी ठीक है क्या, देखो अभी मुझे लगता है कि शायद अभी ठीक है कि नहीं है, एक बार चेक करो। मैंने एक स्ट्रीम, मुझे एक्चुअली क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे मैंने दो स्ट्रीम्स को लाइव किया था, मैं मेरे इधर भी अपने नॉर्मल चैनल पे भी और उधर भी, तो शायद से अभी नहीं होगा, अभी प्रॉपर हुआ होगा, देखो चेक करो। इट्स नॉट लैगिंग राइट, इट्स नॉट लैगिंग राइट, चलो अभी लैगिंग नहीं कर रहा, ठीक है शायद से वो दो स्ट्रीम था इसीलिए। मैं मेरे एक्चुअली पर्सनल यूट्यूब अकाउंट से भी मैंने मतलब लाइव किया था, ठीक है तो उसके वजह से शायद से वो मतलब दो जगह से अपनी इंटरनेट की बैंडविड्थ इतनी नहीं है, ठीक है तो आई गेस अभी हुआ होगा प्रॉपर, ठीक है चलो ठीक है अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं यार, टाइम चला गया खाली वोकट, ये टाइम जाता है ना। हाँ तो यहां पे मैं क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है, ठीक है तो ही ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है। बट इफ वेलोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर,
तो कभी ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी क्योंकि ये ट्राइंगल कभी राइट एंगल ट्राइंगल में बनेगा ही नहीं, राइट। इतना बताया मैंने। अब भाई सेम केस यहां पे है, यहां पे दिया है ना, अ बोट मूव्स रिलेटेड टू वाटर विद वेलोसिटी कितना, 2 times लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। मतलब भाई ये जो जा रहा है, सपोज ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैंने, इसकी जो वैल्यू है मैंने वी ली, सपोज वी नॉट ली, तो आपको पता है ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 V0। तो भाई ये वी नॉट है तो ये डबल है इसके, मतलब वाटर फास्ट जा रहा है। तो कभी भी ध्यान में रखना यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब बी पे तो आदमी कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है, कभी नहीं पहुंच पाएगा। कभी ऐसा होता है क्या, देखो यहां पे कभी ऐसा होता है क्या कि मैंने यहां पे इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दी वी नॉट और ये दे दी 2 V0, कभी ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या जिसमें हाइपोटेन्यूज वी नॉट है और ये 2 V0 है? तो कभी नहीं बनेगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में तो कंफर्म है कि आदमी बी पे नहीं पहुंचने वाला है। तो बी कहां पे पहुंचेगा, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पे देखो, यहां पे दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन मिलेगी। तो मैं पहले दो वेक्टर को ऐड कर लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू कितना, 2 V0, ये वी नॉट है, ठीक है। अपने को एंगल निकालना है भाई, अपने को तो एंगल निकालना है, राइट। अपने को एंगल निकालना है तो पहले क्या करेंगे, देखो एंगल निकालना है, एंगल को थीटा ले लेंगे अपन, ठीक है, एंगल थीटा ले लिया अपन ने, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दो वेक्टर्स को कभी भी ऐड करना होता है तो अपन कंपोनेंट्स लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा बताओ, इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये वी नॉट है तो ये चीज हो जाएगी वी नॉट क्या, कॉस थीटा, ये हो जाएगी वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट कितना बचा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट बचेगा ये क्या बचेगा, तो ये हो गया ये और ये हो गया ये, तो बेसिकली ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन का क्या, एक्स कंपोनेंट, और ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट। तो इतना तो समझ जाओ कि भाई वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ मैन, तो आदमी तो इधर ही पहुंचेगा, ठीक है, और ये हो जाएगी ड्रिफ्ट। तो इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाता है गाइस। अब मुझे तो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा कितना, यहां पे दिख रहा है 2 V0, 2 V0 माइनस क्या, V0 साइन थीटा। समझ आ रहा है क्या गाइस, समझ आ रहा है क्या? और कभी भी ये चीज जीरो नहीं हो पाएगी। वेलोसिटी ऑफ मैन का जो वाई कंपोनेंट है वो तो खुद V0 cos थीटा है, ये हो जाएगा V0 cos थीटा, ठीक है। अब इतना समझो, सपोज इसका जो ये जो है ये है विथ इज W, मैंने विथ को W ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि भाई कितना टाइम में पहुंचेगा यहाँ पे, इधर से इधर कितना टाइम में पहुंचेगा। देखो गाइस ये सब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस है। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है, W है। अब मैं डायरेक्टली स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये आदमी इधर से इधर गया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन था, आदमी इधर से इधर गया तो उसका वाई कंपोनेंट इधर से इधर गया, तो उसको कितना टाइम लगा, W डिवाइड बाई क्या, वी नॉट कॉस थीटा, ये टाइम लगा उसको। उसी टाइम में ड्रिफ्ट भी हुआ, तो भाई ड्रिफ्ट कितना हुआ। अब मैं ड्रिफ्ट की वैल्यू लिखता हूँ, ड्रिफ्ट को मैं लिखता हूँ चलो एक्स, ड्रिफ्ट को अपन एक्स लिखते हैं, ड्रिफ्ट इज एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी हुई, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम कितना है, वो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है, 2 V0 माइनस क्या, V0 साइन थीटा इनटू टाइम, टाइम कितना है, विथ दैट इज W डिवाइड बाय V0 कॉस थीटा। तो गाइस अब मेरा जो x का वैल्यू आया, मतलब ड्रिफ्ट, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट है, x कितना आया यहां पे, अबे ये 2 है, v0 v0 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय cos थीटा माइनस v0 sin, v0 v0 कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा व्हिच इज व्हाट, tan थीटा, ठीक है, इनटू w, बस इनटू w। अब तुमको पता है ना भाई 2 cos थीटा क्या होता है, 2 cos थीटा क्या होता है, 2 बाई कॉस थीटा को क्या लिखते हैं अपन, sec थीटा लिखते हैं। तो मुझे चाहिए तो इसको इरेज कर देता हूं मैं, 2 बाई कॉस थीटा को अपन यहां पे क्या लिखेंगे, 2 sec थीटा लिखेंगे भाई, 2 sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसा करके हो जाएगा, बराबर। मतलब इसको अच्छे से लिखता हूं मैं ये, ठीक है, 2 sec थीटा माइनस क्या, tan थीटा इन टू W, ये हो जाएगा मेरा x। अब गाइस यहां पे मेरे को x को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में x को मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ता है, x को यहां पे मिनिमम करना है मुझे, तो यहां पे मिनिमम मैक्सिमम कंसेप्ट लगता है और वो इन टर्म्स ऑफ थीटा है, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे क्या करोगे, dx by d थीटा की वैल्यू कितनी करोगे आप, जीरो करोगे। तो dx by d थीटा कितना है, यहां पे इसको डेरिवेटिव करो, 2 sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sec थीटा tan थीटा, राइट, sec x tan x
माइनस टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा चीज जीरो हो गया, जब जीरो हो गया तो सेक्स थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक सेक्स थीटा तो चला गया, ठीक है। तो अपन एक सीधा रोको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पे देखो एक सेक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, टू टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा इज ऐसे लिख देते सेक थीटा। अब टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक थीटा क्या होता है, वन बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है इससे मेरे को डायरेक्टली साइन थीटा आ गया है। यहां पे देखो साइन थीटा की वैल्यू मेरी आ गई हाफ। गाइज मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे करने हैं तो मुझे टाइम नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बाद में अच्छे से वापस सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे थीटा की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 30 डिग्री। अब कुछ लोग आप में से जिन्हें तुक्का भी मारा होगा, तुक्का मारा होगा, तुक्का मतलब कैसे तुक्का, कुछ लोग क्या कर ले बताए, गलती से ऐसा कुछ ट्रायंगल बना देते हैं वी नॉट टू वी नॉट, और साइन थीटा इज इक्वल टू, एक्चुअली साइन थीटा इक्वल टू 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 वी नॉट बाई वी नॉट है, इधर मतलब टू है, साइन थीटा इज इक्वल टू टू है, जो पॉसिबल नहीं है, बट उनको से लगता है कि भाई वी नॉट बाई टू वी नॉट वन बाई टू, आंसर डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और सीधा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री करके थीटा 30 और ये यहाँ पे हो गया 90, तो 90 प्लस 30 आंसर कितना है 120 डिग्री, आंसर आपका राइट आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का आंसर डायरेक्टली राइट आ जाएगा बिना ये सोच के, बिना सोच के, ठीक है, कि भाई ये सही किया कि नहीं किया। अब कुछ लोग बोले सर इसको रिपीट करो, मैं वापस बोल रहा हूँ, स्ट्रीम थोड़ा सा एकदम गंदा था अंदर, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका सोल्यूशन बाद में देख सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, तो इसका सोल्यूशन प्रॉपर अच्छे से वापस देख लो, ठीक है। वीडियो तो भाई अपलोड होने वाला है तो आप उसको वापस देख सकते हो, कोई दिक्कत है, वीडियो रिपीट नहीं होगा, ठीक है, आप उसको बाद में देख लो। कोई भी एडवांस सेशंस के वीडियोज रिपीट नहीं होंगे, वीडियो मतलब मैं एक्सप्लेन रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर भी 30 डिग्री दिया हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का होता है, एक बार वापस क्विकली पढ़ो, ये सेकंड क्वेश्चन एक इस टाइप का होता है जो एक्चुअल में इजी होता है, इजी होता है ये, इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं, बट इसमें एक कंसेप्ट है वो आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले एक बार करो, एक बार करो, पढ़ो एक बार, क्विकली पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हो गया गाइस, क्वेश्चन पढ़ के हो गया। अब एक क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो इसका, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टील एयर, मतलब क्या है वेलोसिटी ऑफ क्या है, प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड दिया, मैं वेक्टर नहीं देता, मैग्नीट्यूड कितना दिया है 400, ठीक है, तो 400 किलोमीटर पर आवर जो भी अपने को पता है वो लिख देता हूं मैं। A wind of 202 km per hour is blowing from south to north. South to north जा रहा है, but velocity of air भी दिया है कितना? 202 km per hour. ये दिया हुआ है, ठीक है? अब the pilot wishes to travel from A to point B north east of A. तो पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे? पहले अपने को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। इसको अपन लिखेंगे ईस्ट, इसको लिखेंगे अपन वेस्ट, इसको लिखेंगे अपन नॉर्थ, इसको लिखेंगे अपन साउथ, ठीक है। अब क्या कर रहा है, प्लेन को जाना है, ठीक है, प्लेन को कहाँ पे जाना है, पॉइंट ए पकड़ लेते इधर और पॉइंट बी पकड़ लेते इधर, ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री पे। तो भाई ये 45 डिग्री दिया हुआ है, अब ये 45 होगा तो ये भी 45 है, ये दिया हुआ है, और इसके अंदर का डिस्टेंस है जो लेंथ ए बी है वो भी दिया है कितना, 1000 किलोमीटर। भाई ये जो डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो डिस्टेंस भी 1000 किलोमीटर दिया हुआ है। अब बोला है कि अब क्या बोला है, क्या क्या जो दिया था भी डायरेक्शंस भी देखते हैं। एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर इन स्टील एयर, बट उसका डायरेक्शन दिया नहीं कि एरोप्लेन कैसे जाएगा। अ विंड ऑफ 202 किलोमीटर इज ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर कैसा है,
साउथ टू नॉर्थ मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ एयर, तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ एयर का वेक्टर इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान में रखना ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है भाई, प्लेन ऐसे जा रहा है मतलब ऐसा पकड़ लो प्लेन इधर से इधर ऐसे जा रहा है, आप कहां से देख रहे हो ऊपर, तो आप प्लेन के ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू भगवान वाला व्यू, ठीक है। तो ये भगवान देख रहा है प्लेन को, मतलब आप देख रहे हो। अब यहां पे आप समझ रहे हो कि ये एयर जा रही है ऐसे, विंड, विंड को मैंने ए लिखा है एयर, ठीक है, तो ऐसे जा रहा है। अब मुझे एकदम सिंपल सी बात बताओ भाई, ये एयर ऐसे जा रहा है, अब प्लेन ए से निकला और उसको बी पे पहुंचना है, क्या सीधा ऐसे निकलेगा क्या, टूवर्ड्स बी निकलेगा क्या भाई, टूवर्ड्स बी ऐसे प्लेन निकला तो उसको हवा कहां पे लेके जाएगी, उस तरफ लेके जाएगी ना, ऊपर लेके जाएगी, और तो कभी पहुंचेगा ही नहीं फिर, समझ में आ रहा है, तो भाई वो बी पे पहुंचेगा नहीं, वो कुछ इधर ही चला जाएगा, राइट। तो प्लेन को कैसे निकलना पड़ेगा भाई, प्लेन को कैसे निकलना पड़ेगा, अब सिंपल ना, यहाँ पे देखो ना आप ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू है, प्लेन ऐसे निकल रहा है, हवा ऐसे चल रही है, तो प्लेन को इस तरफ निकलना पड़ेगा ना, तो प्लेन निकलेगा कैसे भाई, तो प्लेन निकलेगा कुछ एंगल में, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ क्या, प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, कुछ ऐसे निकलेगा, ये एंगल अपने को दिया नहीं है, अल्फा ले लेते हैं, नहीं दिया अपने को, अब क्या होगा, वो एग्जैक्टली बी पे पहुंचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन है ये होना चाहिए, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ प्लेन, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आपको तो पता ही है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर, सो वेलोसिटी ऑफ प्लेन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, मतलब इन दोनों का वेक्टर एडिशन। आपको पता है ये सारे क्वेश्चंस विंड मतलब सॉरी वाटर एंड जो अपना बोट वाला प्रॉब्लम था सेम है, मैन वाटर प्रॉब्लम, बोट रिवर प्रॉब्लम, जो भी अपन बोलते हैं अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, सेम प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो मैन वाटर प्रॉब्लम में भी सेम टाइप का अभी लॉजिक आने वाला है। तो यहाँ पे देखो लॉजिक समझो, फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी, ठीक है। अब गाइस पता है इस क्वेश्चन में अलग क्या था, इस क्वेश्चन में वेक्टर, आपको आपका स्केलर वेक्टर बहुत स्ट्रांग हुआ तो ये क्वेश्चन ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। किसी का हुआ क्या क्वेश्चन है, किसी का हुआ गाइस, किसी का हुआ क्या। अब यहां पे एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है, मतलब आप ये ऐसा वेलोसिटी ऑफ एयर इधर आके ये सब नहीं करोगे, मतलब कोई बोलेगा सर मैं वेलोसिटी ऑफ एयर को ऐसे लेके आऊंगा फिर गाइस सर ऐसा कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा फिर उसको मैं सॉल्व करूंगा कुछ इधर उधर, या फिर मैं एक्स एक्सिस ए बना दूंगा वाई एक्सिस ए बना दूंगा कंपोनेंट विम्पोनेंट से करूंगा, तो गाइस इससे सॉल्व नहीं होगा गाइस। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है क्या, कंपोनेंट एक्सिस को क्या करना, टिल्ट करना, कंपोनेंट्स तो करना ही है बट एक्सिस को टिल्ट करना। तो पता है आपको एक्सिस को टिल्ट कैसे करेंगे, इसमें इसमें एक एक्सिस हो जाएंगी अलोंग ए बी और दूसरी हो जाएगी ये वाली एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक्सिस को टिल्ट कर दिया, देखो ये मेरी एक्सिस हो जाएगी, ये एक मेरी एक्सिस हो जाएगी और ये एक एक्सिस हो जाएगी, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे दो टाइप के एक्सिस हो जाएंगे, सपोज मैंने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको मैंने वाई एक्सिस बोल दिया, जैसे मैंने एक्सिस को टिल्ट किया आपका काम हो गया। बस यहाँ पे ट्रिक पार्ट जो है ना, मतलब देखो कभी ध्यान में रखना, जेई एडवांस के क्वेश्चंस में जो आईआईटी के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझना, ट्रिक होना चाहिए आपको एक क्विक, मतलब हाँ ये ऐसा करना है, जैसे ही हो गया आपका काम हो गया, देखो यहाँ पे जैसे ही हो गया आपका काम हो गया, अब क्या करोगे भाई मुझे बताओ, ये एक्स एक्सिस है ये ऐसे एक्सिस है तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन ऐसा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन किससे बना है, वेलोसिटी ऑफ एयर मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दोनों से बना है, दो वेक्टर से बना है। अब ये दो वेक्टर से ये वेक्टर बना है, इसका मतलब ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये है, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन का मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ प्लेन का कौन सा कंपोनेंट जीरो है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन का कौन सा कंपोनेंट जीरो है भाई, वाई कंपोनेंट जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो वाई कंपोनेंट कितना है जीरो, वाई कंपोनेंट जीरो होगा तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ एयर कितना दिया है, 200 रूट टू दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर लिखता नहीं हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है 400 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है वापस मैं नहीं दिखता क्योंकि इसमें अपने पास जगह नहीं है, तो ये 400 दिया है और ये 200 दिया है, तो अब मुझे बताओ 200 किलोमीटर, अब ये 45 डिग्री है तो वेलोसिटी ऑफ ये 200 का ये कंपोनेंट कितना होगा, अब ये एंगल भी 45 डिग्री है ना, तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा, देखो मैं यहाँ पे अलग कलर में लिखता हूँ, ये कंपोनेंट कितना होगा 200 रूट टू साइन 45
और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर का ये कंपोनेंट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 400 इंटू क्या? साइन अल्फा। अब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करने चाहिए भाई? कैंसिल करने चाहिए ना, क्योंकि ये दो वेक्टर्स को ऐड करके मुझे ये वेक्टर निकालना है, तो ये दो वेक्टर को ऐड करके मुझे ये निकालना है, मतलब इसका ये एक्स कंपोनेंट तो भाई वाई कंपोनेंट तो जीरो हो गया, बचा सिर्फ एक्स कंपोनेंट, वो कितना है वो देखेंगे, बट ये इक्वल हो गया। जैसे ही इक्वल हो गया, अब इसका इक्वेशन लिख दो, 200√2 साइन 45, कितना है साइन 45? 1/√2 है, और 2 एंड 400 साइन अल्फा, तो 400 इंटू क्या? साइन अल्फा। भाई इतना कर लो, √2√2 कैंसल, 200/400 आंसर कितना आया? 1/2, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 1/2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में भाई ये निकलेगा, तो प्लेन कितने में निकलेगा? 30 डिग्री एंगल में निकल गया प्लेन। तो मेरा तो एक तो आ गया कि किस डायरेक्शन में ये निकलेगा, समझ में आ गया। कोई बोलेगा सर 15 डिग्री, मतलब 45 डिग्री है, 30 डिग्री ये है, तो 15 डिग्री फ्रॉम ईस्ट ये प्लेन निकलेगा तो पहुंचेगा। अब बोला टाइम एंड टाइम ऑफ इज जर्नी। अब टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो एक्सेलेरेशन वगैरह तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अच्छे क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन वगैरह भी आ सकता है, फिर एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा तो वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी लगेगा। एक्सेलेरेशन यहाँ पे है ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या है? टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई डिस्टेंस तो ए भी है, अब यहाँ पे स्पीड निकालना है वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? चाहिए तो मैं कौन से कलर में लिखूँ? ये कलर में लिखता हूँ, नहीं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन का एक्स कंपोनेंट ग्रीन में लिखता हूँ। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एयर का एक्स कंपोनेंट तो कितना है? 200√2 cos 45 एंड प्लस क्या? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर का एक्स कंपोनेंट जो कितना है? 400 cos अल्फा, 400 इंटू cos 30, समझ आ रहा है? ये आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है? ये वैल्यू 1/√2 मतलब 200 प्लस 4√3/2, ठीक है? इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी। और डिस्टेंस ए बी कितना दिया है? डिस्टेंस ए बी की वैल्यू दी है कितनी? 1000 किलोमीटर। तो टाइम कितना आएगा? लेंथ ए बी दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो ये मेरा ये आएगा। अब इसकी आप वैल्यू निकालोगे, थोड़ा सा इसमें ना लेंथी कैलकुलेशन है, क्योंकि रूट वगैरह की वैल्यू डालनी होती है। तो अपन डायरेक्टली इसका आंसर देख लेते, इसका आंसर टाइम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1.83 आवर्स आनी चाहिए, ठीक है? अल्फा की तो 30 आ गई, यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 30 आई, वो तो हो गया, तो यहाँ पे 1.83 आवर्स ये इसका आंसर है। समझ आ रहा है? मतलब इस क्वेश्चन में क्या किया गाइस, इस क्वेश्चन में हम लोग ने एक्सिस को क्या कर दिया? टिल्ड कर दिया। जैसे एक्सिस को टिल्ड कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है? अब पता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग बुक्स में, जैसे डीसी पांडे में लेवल 2 में, फिर सिंगेज में, फिर जो भी आप फिजिक्स गैलेक्सी यूज़ करें तो फिजिक्स गैलेक्सी में, या यूरोडोम में, या ऐसे जगह पे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा कंसेप्ट यूज़ करने को मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा दूँ, उसको सॉल्व नहीं करेंगे अपन, लेकिन कंसेप्ट यही लगने वाला है। कैसे? मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ठीक है? उसको सॉल्व नहीं करने वाले, बट कंसेप्ट वही लगेगा। एक बार एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फटाफट पढ़ो इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो, ठीक है? एक मिनट दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे अपन, मतलब सॉल्यूशन में आपको सिर्फ बताऊंगा कैसे सोचना है, करेंगे नहीं, ठीक है? फटाफट पढ़ लो इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा कि कैसे। देखो एडवांस के क्वेश्चन एकदम ऐसे डिफिकल्ट नहीं होते, आपको कंसेप्ट तो वही लगाना होता है। मैंने आपको दो कंसेप्ट तो बता दिए रिलेटिव मोशन के। मुझे पता नहीं कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है। देख गाइस, ध्यान में रखना, मेरे एडवांस के सेशन सपोज आपको डायरेक्टली ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइव वीडियो अभी ये अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा, आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और फिर इसका सोल्यूशन जो मैंने किया है वो देखोगे, ठीक है? और एक चीज़ होती है गाइस, इसके पहले बेसिक भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो आपका बेसिक काइनेमेटिक्स भी होना चाहिए, ठीक है? चलो, ऑलमोस्ट एक मिनट होने को आया है, और आधा मिनट क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ये वैसे डीसी पांडे का ही क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है, ठीक है?
लेवल टू का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आप लोग एक देख लो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो क्या क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो पहले देखना बहुत जरूरी है। अ मैन विथ सम पैसेंजर्स इन अ बोट स्टार्ट्स परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर 200 मीटर वाइड। अरे भाई ये सब कुछ दिया हुआ है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन एक काम करता हूँ, फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ, 200 मीटर वाइड ये रिवर है, फ्लोइंग विथ 2 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दिया है, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे सारे हर एक चीज देखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर कितना है 4 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ बोट को मैंने बोला ना, बोट को अपन वाटर मैन बीन कोई भी नाम दे सकते हैं, स्विमर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैन बोलते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड, बट मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, मैन नहीं है वो, ठीक है। व्हेन ही रीचेस द हाफ द विड्थ ऑफ द रिवर द पैसेंजर आर पैसेंजर्स आस्क हिम दैट दे वॉन्ट टू रीच जस्ट द अपोजिट एंड फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड। मतलब क्या है, ए से निकला, बी पे एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना था, बराबर एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना था, बट वो निकला कैसे, स्टार्ट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, तो बंदा कैसे निकला भाई, सीधा उसने जंप मारा, ऐसे जंप मारा, तो ये था वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर था, इस तरीके से जंप मारा उसने, जो कि 4 दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 2 दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको सबको पता ही है वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, तो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आदमी को, आदमी कहां पे किस डायरेक्शन में जाएगा, मैं ग्रीन में यहां पे लिखता हूं, ये होगा मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन, आदमी कुछ ऐसे ऐसे जाएगा। बट हुआ क्या, क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट क्या है कि भाई जब हाफ पे पहुंचा, वो हाफ पे पहुंचा मतलब एग्जैक्टली इधर, जैसे 100 मीटर वो पहुंचा, क्या हुआ, जब ये बोट यहां पे पहुंची, देखो एक्चुअली बोट इधर पहुंची होगी, ठीक है, मतलब आदमी लोग यहाँ पे पहुंचे होंगे, पैसेंजर सारे यहाँ पे पहुंचे, जैसे ही जब यहाँ पे पहुंचे क्या प्रॉब्लम हुआ, वो अंदर के पैसेंजर को झटका आया, बोलता नहीं भाई मेरे को अभी इधर नहीं जाना है, मेरे को एग्जैक्टली बी पे जाना है, एग्जैक्टली बी पे जाना है, ठीक है। अब एग्जैक्टली बी पे जाना, देखो यहाँ तक का तो क्वेश्चन एकदम ईजी है, क्या है 100 मीटर है, अब ये 2a 4 है, आपको पता नहीं 2/4 है, ठीक है, तो आपको पता है एंगल भी आपको पता चल गया, 2/4 है, तो ये 100 है तो ये 2, मतलब ये कितना होगा 50 होगा, तो यहाँ पे 50 मीटर पे यहाँ पे पहुँच गया, ये आप निकाल सकते हो बाद में, ठीक है, ये अच्छे से निकाल देना, ये 100 है तो ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 मीटर है, ठीक है, और ये 100 मीटर है, तो 50 मीटर पे यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद ना, देखो ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, मैं आपको जस्ट टेक्निक बता रहा हूँ। अब ये पॉइंट सी पकड़ते हैं, अब क्या हुआ, यहाँ पे पहुँचने के बाद गाइज उसको बी पे, एग्जैक्टली बी पे पहुँचना है भाई, एग्जैक्टली बी पे पहुँचना है, और वाटर ऐसा है, तो मुझे बताओ अब यहां पे दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट हुआ क्या, अलग कलर में चाहिए तो लिखता हूं मैं, ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर जो कितना दिया है 2, अब हुआ क्या, अब यहां पे मुझे बताओ बी, सी से बी पे पहुंचना है एग्जैक्टली, तो क्या डायरेक्टली ऐसे जंप मारेगा, टूवर्ड्स बी जंप मारेगा, नहीं ना, ये तो प्लेन का क्वेश्चन जो मैंने पिछला किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कहां पे जंप मारेगा भाई, ये सी टू बी अभी इधर एग्जैक्टली ऐसे पहुंचना है उसको, तो जंप कहां पे मारेगा, जंप मारेगा कुछ अलग एंगल पे, समझ में आ रहा है क्या, तो ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अलग नया वाला, ये नया वाला केस, ठीक है। हाँ, जो अगेन 4 पे ही मार रहा है क्योंकि तो 4 तो दिया हुआ है, ठीक है, 4 पे मार रहा है, लेकिन एंगल अलग होगा भाई, ये एंगल होगा अल्फा, और इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा वो कहां पे होगा, टूवर्ड्स कहां पे होगा, इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा, मैं रेड में लिखता हूं चाहे तो, ये होगा मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि इस डायरेक्शन में होगा। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स एंड वाई एक्सिस को क्या करना पड़ेगा, टिल्ट करना पड़ेगा, ये मेरी हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये होगी मेरी वाई एक्सिस, जो भी आपको जो भी नाम देना है, समझ में आया क्या। तो ये जो टिल्ट वाला कंसेप्ट था यहाँ का, जो एरोप्लेन का कंसेप्ट था, वो हम लोग ने इस क्वेश्चन में लगाया, टिल्ट वाला, समझ आए, तो टिल्ट वाला कंसेप्ट लगा, क्वेश्चन क्या हो गया वैसा का वैसा, बाकी तो एकदम सिंपल है, ठीक है। बस अब क्वेश्चन में दो पार्ट में करना, ये नॉर्मल था, ये टिल्ट वाला पार्ट था, आगे बढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सारे हार्ड होंगे, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस हार्ड होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आंसर इंसर दिया हुआ है वो आप लोग देख लेना बाद में, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, लॉन्च फ्लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, वो ए से निकलना है उसको बी पे पहुंचना है, अल्फा बीटा वगैरह कुछ कुछ एंगल दिया हुआ है, वैसा का वैसा क्वेश्चन उठाया हुआ है,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ना हर जगह पे मिलेगा, बहुत सारे जगह पे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा गाइस। वापस इसमें भी क्या करना है, इन क्वेश्चन में मैं बिना क्वेश्चन पढ़ते हुए तुमको उसे बता के रखता हूँ, या आप खुद घर से घर पे ट्राई मारो ये क्वेश्चन को, पूरा जब पढ़ोगे इस क्वेश्चन में भी वापस क्या करना है पता है, एक्सिस को क्या करना है, टिल्ट। ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, बस एक्सिस को टिल्ट करो, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। जो अपन ने पहला वाला कंसेप्ट बताया वही सेम कंसेप्ट, बट यहाँ पे क्या है ना, आदमी इधर से इधर जाता है वापस इधर से इधर आता है, दो बार करना है बस, बट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलो अब ये प्रॉब्लम तो हो गए, अब एक इस टाइप का प्रॉब्लम आता है गाइस, मैन रेन वाला, रेन मैन प्रॉब्लम, आपको पता है रेन एंड मैन वाला प्रॉब्लम। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगेन एच सी वर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल है गाइस, एच सी वर्मा का एचसीवी का सॉल्व एग्जाम्पल अपन ने लिया हुआ है काइनामेटिक्स का। मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, एच सी वर्मा का सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है, मैं आपको एकदम शॉर्ट वाला सोल्यूशन बताऊंगा यहाँ पे, बट एक क्वेश्चन एक बार पढ़ लो फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी, मतलब इस क्वेश्चन को भी, रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, मतलब फास्ट करने का। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे रेन एंड मैन में भी, जिसको आप आई कैप एंड जे कैप से करोगे, मतलब वेक्टर्स को आई कैप जे कैप वगैरह लिखोगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, बट इसको आई कैप जे कैप से नहीं करना है। बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, बट ये सोल्यूशन आपको खुद को स्ट्राइक होना चाहिए, तो एक बार देख लो फिर खुद से करो। ठीक है, अब यहां पे देखो, मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो पहले तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वाला प्रॉब्लम है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होता है, राइट। और ध्यान में रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वगैरह जी वगैरह लिखते हैं, तो मैं लिखता नहीं हूँ वहाँ पे, अब समझ जाने का, वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब क्या, जो भगवान ने दी है रेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हुआ, सो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया वेलोसिटी ऑफ क्या, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों का वेक्टर एडिशन। इसमें कोई टाइम बीम नहीं पूछा होता, मतलब टाइम निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ऐसा नहीं, एकदम सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बट यहाँ पे ये मैक्सिमम वेक्टर के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले अपन लिखते पढ़ते क्या है, अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ही फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, मतलब पहला वाला मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे देखो पहला वाला डायग्राम ऊपर बना देता हूँ, ये आदमी है, ये आदमी ने दौड़ना चालू किया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे दिया हुआ है 8, जो भी है 8 किलोमीटर पर आवर, बाद में मैं सब लिखूंगा नहीं, अभी समझो कि ये ऐसे दौड़ना चालू किया, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, द रेन फॉलिंग वर्टिकली, मतलब रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग हिज हेड वर्टिकली, मतलब कैसा, ऐसा, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसा है, सीधा, वैल्यू दिया नहीं है, वैल्यू दिया नहीं है। फिर क्या हुआ, ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। फिर सेकंड, ये देखो दो केसेस दिया है, फिर आदमी ने क्या किया भाई, आदमी ने 12 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना चालू किया, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन का उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया 12 किलोमीटर पर आवर जब किया, तो उसने देखा द रेन ड्रॉप्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब क्वेश्चन है, अब ये रेनड्रॉप्स ऐसा, देखो तो रेनड्रॉप मुझे बताओ ऐसे आएंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो पहले ऐसा आएगा 30 डिग्री तो ये भी है और 30 डिग्री ये भी है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, राइट, इस तरफ 30 डिग्री आएगा, इस तरफ 30 डिग्री आएगा, वो तो पहले सोचना है आपको। अब गाइस ध्यान में रखना, मुझे सोल्यूशन में दे रहा हूं, तो ये चीज बाद में आपको अच्छे से सोचनी है, मतलब मैं तो सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है, बट आपको सोचनी है, तो आपको एक आइडिया जाएगा भाई कि एडवांस के क्वेश्चंस कैसे बनते रेन एंड मैन के। ठीक है, अब ये दो डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, पहले मुझे बताओ इन दो डायग्राम से जब आदमी अपना स्पीड बढ़ाता है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चेंज होती है, कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी इन तीनों में, कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज वी आर, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि वही तो भगवान ने दिया ना, रेन तो ऐसी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एकदम सिंपल सी बात, वेलोसिटी ऑफ मैन किस डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। तो पहला वाला मैं इधर अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये वाला, ठीक है, जो रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना, ये होगा मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन जो कितना है 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, जो ऐसा है, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन
विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जिसका वैल्यू दिया ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ इन दोनों का वेक्टर एडिशन किधर दिखेगा, तो मैं वेक्टर एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये तो मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ना, वेक्टर एडिशन को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को इधर लेके जाओ, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट विच इज वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरफ, ठीक है ऐसा। तो अब मुझे बताओ भाई कुछ भी हो जाए ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम में क्या किया, आदमी ने अपना स्पीड बढ़ाया, तो मैं सेकंड डायग्राम भी ना इसी के ऊपर ओवरलैप करता हूं। आदमी ने अपना स्पीड बढ़ाया, कितना बढ़ाया, देखो मैं ग्रीन जो ड्रॉ कर रहा हूं ये आदमी का नया स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ मैन का डैश, ठीक है कितना है वो, पूरा का पूरा वेक्टर लेंथ है 12 किलोमीटर पर आवर। जब आदमी ने अपना स्पीड बढ़ाया, देखो वीएम डैश किया, अब मुझे बताओ जब इसने अपना स्पीड बढ़ाया, ये डैश वाला चीज है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे आएगा, वेक्टर क्या होना चाहिए भाई, ये वेलोसिटी ऑफ रेन कभी वेक्टर चेंज होगा क्या, दोनों डायग्राम को ओवरलैप कर रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो भगवान ने दिया हुआ है ना, आदमी अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चेंज हो रहा है। तो मुझे बताओ ये वेक्टर सही है, ये वेक्टर सही है, अब देखो ना ये वेक्टर और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो ये भाई दिखेगा कैसे, जब ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूं मैं भाई, ऐसे दिखेगा ना, तो मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो नया बनेगा डैश, कैसे बनेगा वो, ऐसे बनेगा, तो ही तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसा है, समझ आया क्या। तो 30 डिग्री किस तरफ, ये वाला, तो ये वाला चीज सही नहीं है, तो भाई ये 30 डिग्री इस तरफ आया, समझ आया, 30 डिग्री इस तरफ आया, 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो गाइस ये 30 डिग्री विद द वर्टिकल मतलब क्या, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अब आपको पता है ये क्वेश्चन कंप्लीटली मुझे यहां पे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रोड, फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन। आपको पता है पूरा क्वेश्चन किसमें बन गया, ये 8 किलोमीटर पर आवर 12 है, तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी, ये टोटल लेंथ 12 है, ये लेंथ 8 होगी, तो ये लेंथ कितनी होगी, 4 होगी ना, ये 4 लेंथ होगी, ठीक है। अब ये लेंथ की वैल्यू 8 है, इस लेंथ की वैल्यू 4 है, और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, देखो ये एंगल 30 डिग्री है। अब इसमें आप एचसी वर्मा का सोल्यूशन देखोगे ना, बहुत लंबा सा सोल्यूशन मिलेगा आपको, बट ये डायरेक्टली डायग्राम वाला सोल्यूशन है, देखो ये 30 डिग्री 4 है, ये डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा, 8, इसकी लेंथ 8 हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, जब इसकी लेंथ 8 हो जाएगी, इसकी लेंथ 8, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 8 इंटू कॉस 30, अरे 30 60 90 का ट्रायंगल है ना, कर सकते हो ना आप, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4√3, आप चेक करो ना इसकी लेंथ 4√3, 8 cos 30। अब इसकी लेंथ 4√3 है और इसकी लेंथ 8 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या बनाओगे भाई, पाइथागोरस, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ कितना, 8² + 4√3 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 64 + 48, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 112, गाइस अंडर रूट ऑफ 112 इसका आंसर है। क्वेश्चन को किससे सॉल्व किया मैंने, डायग्राम से सॉल्व किया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये एचसीओर में सॉल्व एग्जांपल है, एचसीओरमा में क्वेश्चन नंबर 19 है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट देखा था, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व एग्जांपल में आप देखोगे इसका बहुत बड़ा सा सोल्यूशन दिया हुआ है, बट ये सोल्यूशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्टली डायग्राम से भी इसको कर सकते हो। मैंने आपको जैसे बोला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको कौन सा तरीका जमता है, ठीक है। मैं इसीलिए बोला कभी भी ध्यान में रखना, बहुत कुछ लोग क्या करते, बता सर मुझे IIT क्रैक करना है, मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ूंगा, लोग क्या करते हैं अपना जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास का मॉड्यूल, फिर उसके बाद कुछ रेफरेंस बुक ले जाए, एच सी वर्मा कर लिया, DC पांडे कर लिया, सिंगेज कर लिया, फिर हीरोडो कर लिया, फिर क्रोटो कर लिया, फिर बोलेंगे नहीं अलग 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 और मेरे को इंस्टीट्यूट्स के क्या चाहिए, पेपर्स चाहिए, अलग अलग पेपर्स लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सही तरीके से कोई भी चैप्टर के 100 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए, और वो क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस आपने भी सोचे ना, तभी आप IIT में टॉप 500 रैंक आराम से ला सकते हो, ठीक है। ध्यान में रखना आपको आपकी थॉट प्रोसेस बनानी है, ठीक है। जब आपकी सोच बनाओगे ना तो यार भाई ऐसे ही इजीली आप क्रैक कर सकते हो, बट भाई सोच बनाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे करके कुछ फायदा नहीं होता,
यही क्वेश्चन का 5 सॉल्यूशन हो सकता है। मैं आई कैप जे कैप वाला सॉल्यूशन भी आपको दे सकता हूं, हर एक वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप लिखो, वी आर वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप लिखे, फाइनली इक्वेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको तो ये अलग अलग भाई करो ना, अलग अलग चीजें, तो ही तो आपका दिमाग बनेगा, तो ही तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा मेथड सही है या कौन सा मेथड फास्ट है।